हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है शाही शीरकुरमे की। ये शीरकुरमा बिल्कुल कम टाइम में बिल्कुल कम चीज़ों से बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें ना मिल्क पाउडर लगेगा ना ही खोआ लगेगा, फिर भी इतनी टेस्टी बनती है। अगर आपने इसको मेहमान को खिला दिया तो मेहमान तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिया 8 से 10 छुहारा ले लिया। उसको मैंने रात में ही फूलने के लिए छोड़ दिया था। छुहारे बड़े सख्त होते हैं ना, जल्दी फूलते नहीं, इसलिए। यहाँ पे मैंने 10 से 15 बादाम ले लिया, 10 से 15 काजू ले लिया, 10 से 15 पिस्ता ले लिया और 2 चम्मच किशमिश ले लिया। यहाँ पे मैंने बादाम और छुहारे और पिस्ता को फुलाया था और चिरौंजी, किशमिश और काजू को मैंने नहीं फुलाया। बादाम, काजू, छुहारे और पिस्ता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। और चिरौंजी को यहाँ पर आप छिलका निकाल के भी ले सकते हो, लेकिन मुझे छिलका लगा हुआ पसंद है तो मैंने ऐसे ही लिया। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नारियल पाउडर ले लिया है। यह ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच खसखस ले लिया है। यहाँ पे मैंने 10 काजू, 10 बादाम ले लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या करना है। यहाँ पे मैंने पतली वाली सेवई ली, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 kg फुल फैट दूध लिया है और इसको मैं 5 मिनट के लिए गैस पर छोड़ दूँगी। अगर आप लो फैट दूध लेते हैं तो आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, मैंने कलर के लिए डाला, आप स्किप भी कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जो मलाई जमती है ना, इसको स्क्रैच करके निकाल लेना। इससे हमारा मिल्क बहुत ही अच्छा क्रीमी बनेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे। तो पहले मैं इसमें डाल दूँगी बादाम और काजू। बादाम और काजू मैं इसलिए डालूंगी कि इसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बादाम और काजू अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे ड्राई फ्रूट्स और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी सबको मिला के। जब तक ये थोड़ी देर फ्राई होता है तब तक मैंने वो बादाम और काजू रखे थे ना, मैं उसको ग्राइंडर में डाल के इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने थोड़ी सी दूध डाल दिया है। तो चलिए अब दूध की तरफ। दूध की कंसिस्टेंसी जब ऐसी हो जाएगी तब मैं इसमें डाल दूँगी वो ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। ड्राई फ्रूट और दूध को मीडियम फ्लेम पर अभी थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए अब गैस की तरफ। गैस में मैंने उसी पैन में 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी वो सेवई। सेवई को मैंने अच्छे से हाथ से क्रश कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। सेवई को अच्छी तरह से घी के साथ फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी वो खसखस। खसखस और सेवई को भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब मैं दूध में डाल दूंगी वो नारियल पाउडर और अच्छे से चला लूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी वो सेवई और खसखस और फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। अब वो मैंने ड्राई फ्रूट का जो पेस्ट बनाया था ना, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप इसमें खोया, मिल्क पाउडर और मखाना कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ शक्कर। शक्कर मैंने इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया, आप जितना मीठा पसंद करते हो उसी हिसाब से लेना। मैंने यहाँ पे 5 बड़ा चम्मच शक्कर लिया है। लो फ्लेम पे अभी मैं 5 मिनट के लिए इसको चलाऊँगी। तो चलिए आप देख सकते हैं हमारी शीरकुरमा हो गई रेडी। कितनी क्रीमी और कितनी टेस्टी लग रही देखने में। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको सर्व कर लिया और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लिया है। आप इसे अपने त्योहारों में बनाइए, आप अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों में मेरी रेसिपी को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी शीरकुरमे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।